अपना ध्यान कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे नहीं लगा पा रहे हैं तो देखते रहिए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पैंट के अंदर हाथ मत डालिए, देखते रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका 100% नीचे वाले थंबनेल पे क्लिक करने का मन करेगा तो आपको अभी करना है तो आप कर दीजिए, लेकिन अगर आप मेरे को 10 मिनट देते हो तो आज जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपनी चीजों का, आज इस वीडियो के अंत तक आप 100% समझ जाओगे कि चक्कर चल क्या है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो तो ये वीडियो देखते रहो, आपका मन करेगा क्लिक करने का प्लीज डोंट क्लिक इट, अदरवाइज यू कैन क्लिक व्हाटएवर यू वांट, तो आप ऐसे भी करते हो, बट आई प्रॉमिस यू यू विल गेट समथिंग। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द हैबिट ऑफ अटेंशन, द हैबिट ऑफ अटेंशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज दिस हैबिट ऑफ अटेंशन? ध्यान की आदत। ये ध्यान की आदत क्या है? जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो, आप इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहे हो, अभी आपका ये आपका ध्यान है, आपका ध्यान इस पे फोकस कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जब ये इस पे फोकस करता है तो ये इससे अटैच्ड हो जाता है, जब ये इससे अटैच्ड होता है तो बाकी जो अटैचमेंट्स हैं वो फीके पड़ने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं। मतलब यहां पे कुछ है, इस पर आपको फोकस करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, लेकिन आप इस पे फोकस कर रहे हो तो इस पे आप ज्यादा हैबिचुएटेड हो, इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे, पेन पे, लेकिन ये जो इधर है ये फीबल हो रहा है, ये वीक हो रहा है। मतलब क्या? जब आप अटेंशन देते हो तो आपके ध्यान की जो आदत है, जो प्रवृत्तियां हैं ध्यान की भी आदत होती है। आपका ध्यान कहां पे है? बेसिकली आपका ध्यान इस इंस्टाग्राम पे है, तो अभी आप इस पे देखो, आपने 10 मिनट देखूंगा, 15 मिनट देखूंगा, 20 मिनट देखूंगा, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, आपने 5 मिनट देखा है तो इधर जो ये जो बेसिकली आपका ये पढ़ाई है या एंटरप्रेन्योरशिप है या बुक पढ़ना है या कुछ भी है, इस पे 5 मिनट का ध्यान वीक हो गया। अगर आपने 5 मिनट का ध्यान इस पे दिया तो इस पे 5 मिनट का ध्यान वीक हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मैं नेटफ्लिक्स पे देखने की आदत थी मेरी, मैं नेटफ्लिक्स देखता रहता था, और जैसे नेटफ्लिक्स बंद करता था मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था। मैं करता था, भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, ये करना वो करना, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंटरनेट मार्केटिंग एंड आई हैड टू डू इट, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा, गाँव चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में, करूंगा क्या मैं? क्योंकि मेरे ऊपर छत नहीं है अपने पिताजी की, वो पिताजी की छत मेरे गांव में है, मैं वहां नहीं जाना चाहता भैया। और मैं ये जो लाइफ है, जो दिल्ली की लाइफ है, 5 साल की ये लाइफ है, आप सेट हो गए हो, आप एक रेंट है आपका, सब कुछ आपका बढ़िया चल रहा है, कैसे करोगे? तो प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे अंदर इतना डर था, तो मैंने क्या किया, नेटफ्लिक्स जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि मैं नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहा हूं, तो उससे क्या है, जो मेरा ध्यान की आदत है, ध्यान की आदत वो खराब हो रही है। There is something called as the habit of attention, sir. आपने 5 मिनट यहां देखा तो 5 मिनट इसमें वीक हो गया है, आपने 10 मिनट देखा तो 10 मिनट, आपने 1 घंटा देखा, आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। तो अब सवाल ये आता है कि इसको कर, तो अब सवाल ये आता है क्या इसको छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए, ये जो है ना, ये आप इसमें जा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल क्या है? डोपामाइन। डोपामाइन से आपको संतुष्टि मिलती है, आप सेक्स कर रहे हो, ऑक्सीटोसिन है, वो लड़की की वजाइना नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन है जो आपको मजा आ रहा है। इसी वजह से अगर सच में वजाइना में मजा आता तो अपनी बीवी को छोड़ के आदमी दूसरी बीवी के साथ संभोग नहीं करता, क्योंकि वजाइना वही है। बट एक्चुअली क्या है, द माइंड नीड्स डिफ्रेंसिएशन, भिन्नता चाहिए माइंड को, क्योंकि माइंड जो है वह भौतिक का पार्ट है और भौतिक जो है उसमें आपको भिन्नता दिखती है। भिन्नता मतलब क्या? डिफरेंट। हर चीज पे 5000 प्रजाति के पेड़ हो गए, 5000 प्रजाति के जानवर हो गए, अलग अलग, किसी का कोई कर, ये कोरल फिश और उधर से नॉर्मल फिश, भाई अलग ही है, इसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है, जली फिश की अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, और आप मेरे से बात कर रहे हो सब कुछ एक है? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। आप कह रहे हो कि सब कुछ एक है, पर जली फिश और जो डॉल्फिन है वो तो बिल्कुल अलग अलग दिख रही है, क्योंकि भौतिक की प्रकृति है ये, भौतिक में सब कुछ भिन्न है, ठीक है। तो माइंड को भी भिन्नता चाहिए। मेरी औरत की वजाइना बोर हो गई है,
अब मुझे दूसरे लड़कियों का संभोग करना है, तो क्या आप ये कौन दो दो लोग कर पाते हैं? देखिए, एक आदमी होता है जो कंट्रोल कर ले जाता है, वो कहता है भैया मन कर रहा है लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि मन तो सबका करता है, मन में आपका ईगो नहीं होता, मन में फिल्टर नहीं होता, मन करेगा आपका। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बोलती है भैया आपने वो लड़की देख ली वहां पे और आपको तो शर्म आनी चाहिए, मतलब आपको तो अलग अलग। मैंने कहा यार एक बात बताओ, वो लड़की उसका आधा वो बाहर आ रहा है सब कुछ और मैं वो सामने आ रही, मैं देख लियो क्या करूं बताओ? तो नहीं तुम्हें दिखना, तुम कैसे देख कैसे सकते हो, हाउ कैन यू सी ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं मॉल में बैठा हुआ था उसी के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, एक लड़का जाता है शाहिद कपूर जैसा सामने से, तो शी लुक्ड एट हिम, गेज्ड हिम ऊपर से लेकर नीचे तक। उसने अलग चीजें देखी, क्योंकि लड़कियां अलग देखती हैं, उसने 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 शक्ल देखी, बाल देखे, ड्रेसिंग स्टाइल देखी, एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। मैंने कहा व्हाई, तुमने क्यों देखा? तो भैया जो मन है ना, मन करता है सबका, लेकिन कौन कंट्रोल कर ले जा रहा है, कौन नहीं कंट्रोल, ये देखना पड़ता है। और कौन नहीं कंट्रोल कर पाता, सुन लो, जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, जितना ज्यादा ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा सही गलत निकल जाता है मन से, मतलब ये मेरे अंदर क्या, मैं इसके साथ ही सेक्स करना चाहता हूं, इसके साथ ही रहना चाहता हूं, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो मुझे अलग अलग वैरायटी चाहिए जिंदगी में। उससे क्या होगा, उससे अलग अलग प्लेजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को गलत फहमी हो रही है कि अगर मैं इसके साथ सेक्स करूंगा ना तो मुझे मजा आएगा। माइंड को गलत फहमी है, माइंड तो कह देता है भाई वो अलग, उसका थोड़ा ज्यादा अच्छा फिगर है तो मजा आएगा, अगर तू उसका स्पर्श करेगा तो मजा आएगा, लेकिन एक्चुअली गलत फहमी होती है। फिर जब आप उस दूसरी लड़की के पास जाते हो और जब उसके साथ आप 10-12 महीने तक सेक्स करते हो, तो आपको फिर तीसरी लड़की पसंद आने लगती है, और अब आपको वो फीचर्स नहीं चाहिए जो आपकी करंट गर्लफ्रेंड में थे, अब आपको अगर इसके स्मॉल ब्रेस्ट थे तो उसके बड़े ब्रेस्ट हैं, वो अब आपको बेस्ट बड़ा ब्रेस्ट चाहिए। ऐसे ही हम पॉन में भी देखते हैं, आज हमने ये वाली पॉन देखी, अब हमको अगले दिन कुछ दूसरे टैग की पॉन देखनी है। ठीक है, अब मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज दिस इज द हाईली रिलेटेबल एग्जांपल, दिस वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एग्जांपल, बिकॉज आपका ध्यान नहीं टिकेगा यहां पे अगर मैं एग्जांपल ले लूंगा, तो मैं इसी वजह से एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजों में भी होता है। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है, मेरी बात सुनिएगा, कि कौन है जो एक्स्ट्रा मैरिटल करता है, कौन है जो नहीं करता? वो आदमी जो संतुष्ट है अंदर से, वो आदमी नहीं करेगा। और इसी वजह से इंस्टाग्राम पे इतनी पॉपुलैरिटी बढ़, इंस्टाग्राम पे आदमी ज्यादा एक्टिविस्ट, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके के कंटेंट मिल रहा है, ये मीम आया, ये मीम आया, ये मीम आया, ये मीम आया। आदमी को ऑक्यूपेशन चाहिए, कुछ ऑक्यूपाइड करने के लिए चाहिए। तो फंडामेंटल पहला तो अगर आपको इसको छोड़ना है, सोशल मीडिया छोड़ना है, तो फंडामेंटल प्रश्न ये है आपका कि हाउ द हेल, व्हाट और नॉट हाउ द हेल, व्हाट द हेल वुड यू डू व्हेन यू आर लीविंग द इंस्टाग्राम, व्हाट एल्स वुड यू डू, आप करोगे क्या, और क्या करोगे आप? इसका जवाब आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो चलिए इंस्टाग्राम की बात होगी, पर जो टॉपिक है वो यही है कि अटेंशन की जो हैबिट है उसको कैसे सही किया जाए। अभी हमें पता ही नहीं है कि जिमिंग करने में भी उतना ही मजा आता है जितना मीम्स देखने में मजा आता है। अभी हमें पता ही नहीं है कि हमें बुक्स पढ़ने में भी उतना ही मजा आता है जितना हमें मीम्स देखने में मजा आता है, रील्स देखने में मजा आता है। अभी हमें पता ही नहीं है कि सेक्स सिर्फ एक प्लेजर नहीं है सर, आप एक कंपनी को ग्रो कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, उसमें भी मजा आ रहा है, तो ये हमें पता नहीं है। तो आपको पहले ये समझना होगा, ये खुद देखना होगा कि अटेंशन की हैबिट क्या है। आपके पास ये बेसिकली यहां पे अगर आप देखें तो ये आपकी पढ़ाई हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी हो, और ये आपका हो गया इंस्टाग्राम। आप इसको इसलिए देख रहे हो और आपको लगता है मैं इसको देखूंगा, जो मेरी हैबिट है अटेंशन की, बेसिकली उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर,
ऐसा नहीं, आपने 5 मिनट इसको देखा, आपने 10 मिनट, 10 मिनट इसका चला जाएगा। तो सवाल ये आता है क्या इसको देखना बंद कर दे? नहीं, बिल्कुल मत करो ना, इसमें बैलेंस लाओ। बैलेंस कैसे लाए? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई वजह नहीं है, वजह नहीं। अब मैं एक श्लोक बोलता हूं भगवत गीता का, गीता का आई थिंक 3rd या 4th अध्याय में था। चार प्रकार के लोग मेरी मार्ग में आते हैं। सबसे पहले जो है वो अर्थार्थी लोग हैं, अर्थार्थी लोग, वो जो भगवत गीता से कुछ अर्थ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या अर्थ हो सकता है? जैसे विवेक बिंद्रा, वो क्या करेंगे? भगवत गीता पढ़ो, बिजनेस ग्रो करो, ये एक अर्थ है, दिस इज मीनिंग। दूसरे मतलब वो मटेरियल के लिए यूज कर रहे हैं, अर्थ मतलब होता है मटेरियल। मटेरियल के लिए अगर भगवत को यूज किया जा रहा है तो एक ये प्रकार के लोग आते हैं। दूसरा कौन आता है? वो जो ऑलरेडी आत्मज्ञानी है। तो कोई अगर मैं जैसे, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन से बातें करना पसंद है तो मैं बार बार भगवत गीता पढ़ता हूं। तो वो जो मेरी शरण में ऑलरेडी है, ठीक है। तीसरा कौन आता है? ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना लाइफ में, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही दो, बाकी भूल जाओ। तीसरा जो है वो आता है जिसके अंदर घनघोर दुख है, और चौथा जो है वो है जिसके अंदर घनघोर इच्छा है, तीव्र इच्छा है। बीच वाला नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दुख है, थोड़ा बहुत ये नहीं, थोड़ा बहुत से कुछ नहीं होता। मैं, मेरे एक जान पहचान में कई लौंडे हैं, 26-27 साल के हो गए हैं, मेरे से आके कहेंगे कि मेरा मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ बोलता नहीं। एक्चुअली में वो दिल्ली में रहते हैं, उनके पिताजी की ऑलरेडी 4 करोड़ का घर है, उसमें वो रह रहे हैं, और उनको उस घर में वो बैठ के परेशान हो रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ लाइफ में। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास तीव्र इच्छा नहीं है और तीव्र दुख नहीं। जब रोटी कपड़ा और मकान पे बनाएगी तब आदमी एक्शन लेता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये 3 कैटेगरी है इसको मेजर करने की। रोटी कपड़े मकान पे अगर बनाएगी तब आप एक्शन लोगे, ठीक है। आज से 3 साल पहले की बात है, कोविड आ गया था, मेरी फट गई थी, सच बता रहा हूं। मैं यहां नोएडा में रहता था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे रेंट देने के लिए। मुझे वापस दो ही ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं जॉब करूं या तो मैं वापस जाऊं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने कहा क्या करूं मैं लाइफ, तो एक आइडिया आया। वो आइडिया था कि चल फेसबुक एड्स मैनेजर पे ये आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिएटिव बनाना आना चाहिए, इमेजेस वीडियो बनाओगे ना, एडिट करना आना चाहिए ना। आप फेसबुक एड्स पे क्या डालोगे? इमेज आनी चाहिए, कुछ वीडियो, तो पहले वो आना चाहिए, क्रिएटिव बोलते हैं इसको। उसके अलावा आपको फेसबुक एड्स मैनेजर रन करना आना चाहिए। अब कौन बैठ के देखे घंटा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स? ध्यान ही नहीं टिक रहा है। अभी तो ध्यान कहाँ टिकता था, नेटफ्लिक्स पे। तो जब ये प्रॉब्लम आ गई, जब पैसे पे बनाई, जब रेंट पे बनाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस दिन 6 घंटे बैठ के यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखे फेसबुक पे। आप कहते हो मेरा ध्यान नहीं टिकता, क्या बात कर रहे हो, अरे जाएगा यार, क्या बात करता है, क्या बात करें। ये जो लड़का है जो कह रहा है कि भैया मैं परेशान हूं, मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पा रहा हूं, अरे आपके पास 4 करोड़ का घर है, आपके पिताजी का घर है, आप उसमें रहते हो, आपके ऊपर बनी नहीं है अभी, आपको पता ही नहीं दुख क्या होता है। अब सवाल आता है कि आशीष चंचलानी जो एक सब्सक्राइबर है, यूट्यूबर है, सॉरी, उस आदमी के पिताजी के पास पिक्चर हॉल है, सिनेमा हॉल है, बिजनेसमैन, बट वो कैसे कर पाया? क्योंकि उसके अंदर तीव्र इच्छा थी, वासना थी किस चीज की? एक्टिंग करने की, कॉमेडी करने की। बिल गेट्स, ये बिल गेट्स है, ये स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल फादर थे, पैसे की दिक्कतें थी, लेकिन ये जो बंदा था ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था भैया। इस आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, विंडो बना दिया, ये इसके पास तो ऑलरेडी बंगले थे, करोड़पति था, इसने क्यों एक्शन लिया? क्योंकि ही हैड बर्निंग डिजायर, द डिजायर वाज हाई। लेकिन ज्यादातर आपको कौन लोग दिखेंगे?
वही दिखेगा जो आदमी एक्चुअली में दुखी हो। ज्यादातर आपको स्टीव जॉब्स दिखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसने भी कुछ बड़ा किया है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पापा ने कोठी बंगला छोड़ दिया और वो अपने बाप का बिजनेस चला रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके जिंदगी जिनकी जिंदगी में बहुत दुख था। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको देखोगे आप, उनके पैसे ही नहीं थे उनके पास, तो ज्यादातर आपको ये वाली कैटेगरी दिखेगी, ये कैटेगरी, ये ब्लू कैटेगरी, ये वाली कम दिखती है। जैसे अमित भड़ाना है, तो अमित भड़ाना का अगर मैंने लाइव पढ़ोगे तो पैसे नहीं थे, दिक्कतें थी, ठीक है। तो वैसे आप देखो, अगर ये यही है, आप कह रहे हो ना कि मैं मेरा अटेंशन है और मैं कह नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा, या तो आपका रोटी कपड़े, या तो आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, और या तो आपके पास ज्वलंत इच्छा नहीं। अब ज्वलंत इच्छा कैसे बनाते हैं? आपका संपर्क, ये संपर्क है बेसिकली, समझ लो कि ये इंस्टाग्राम है और ये आपका करियर है, ये संपर्क है, दिस इज फोकस जो अंदर होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे उंगली पे फोकस कर रहा हूँ अपने, तो यहाँ पे फोकस आ रहा है, तो अभी पैर की उंगली पे कर रहा हूँ, इसको बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जो ये बिंदु है, ये इससे संपर्क में रहना चाहिए। अगर इसका, अगर ये इस पे आ गया ना, ये जो इस पे आ गया ना, ये जो बिंदु है, ये इस पे आ गया, यानी 5-10 मिनट का इंस्टाग्राम आप देख रहे हो, और आप सोचो क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, संपर्क यहां से टूट गया है, और जब संपर्क टूटता है तो इससे संपर्क ज्यादा स्ट्रांग होता है, इससे स्ट्रांग होता है, इससे चिपकेगा। मतलब क्या, 5 मिनट का इंस्टाग्राम इससे 5 मिनट का फोकस कमजोर कर देता है। 5 मिनट का इंस्टाग्राम 5 मिनट का करियर पे फोकस कमजोर कर देता है। आप सोचते हो मैं 1 घंटा बैठ के देख क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं भैया, आप इंस्टाग्राम 1 घंटा देखोगे फिर आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। कभी देखना, कभी कोई पिक्चर देख के आओ, क्या पढ़ाई करने लगता है क्या आदमी तुरंत? नहीं। आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इससे संपर्क 90% होना चाहिए दिन में। 24 घंटे की बात करो, 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 24 घंटे में 90% संपर्क इससे होना चाहिए। फिर आप कहोगे अरे मजा नहीं आ रहा, अरे बुलशिट, 1 महीने में इसमें मजा आने लगेगा। क्या बात करते हो यार, 1 महीने में बस? हाँ मुझे पता है कि शुरू के 1 महीने में गांठ फट जाती है, लेकिन भैया ये 30 दिन के बाद आपको मजा देने लगेगा। इट्स लाइक अ फकिंग जिम, मैं जिम नहीं जाना मैं जिम कैसे जाने, मेरा दर्द हो रहा है सर, कौन उठे सुबह जाने के लिए? भैया 30 दिन में आपको जिम में जो मजा आएगा ना, वो हिलाने में भी नहीं आएगा। लेकिन 30 दिन सब्र तो करो, आपको पता ही नहीं कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है, संपर्क कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम, इसी वजह से दिक्कतें होती है, मैं आपको बता रहा हूं। 5 मिनट का इंस्टाग्राम 5 मिनट का करियर पे फोकस कमजोर कर देता है, इसी वजह से आप वापस इस पे नहीं आ पाते और पूरे टाइम उसी में घुसे रहते हो। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, पबजी, लोगों से बातें, हां क्या कर रही है वो, तलाक हो गया क्या उसका? तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, 57 सेकंड बचे होंगे। संपर्क कैसे काम करता है आपने समझा? अगर आपको यह समझना है तो आपके अटेंशन की आदत होती है, एक समराइज कर रहा हूं, अटेंशन की भी आदत होती है, आपकी अटेंशन कहां पे रखने की आदत ज्यादा पड़ी हुई है। तो मैंने परित्याग कर दिया इंस्टाग्राम और फेसबुक से, मैंने परित्याग कर दिया, 10-15 दिन हो गए मेरे को। अब सवाल आता मैं और करूं क्या, तो अब मैं यही करता हूं, मैं ये करता हूं, बीच में अगर कुछ मन किया तो मैं थोड़ा पिक्चर देख लिया, 2 घंटे की रोज नहीं देखता हूं, कभी बाहर घूमने चला गया, नेचर में मिल गया, बारिश हो गई वहां पे देख लिया, कुछ अच्छा हो रहा है, दिल्ली में तो आजकल बारिश हो रही है, वहां बैठे हुए अच्छा लग रहा है। अब नशा और वो सब होता रहता है, अगर वो भी ठीक है करते रहो, लेकिन यार 90% फोकस इस पे होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम पे, और वो इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास या तो इच्छा नहीं है और या तो आपकी जिंदगी में दुख नहीं है, आप बीच में हो, थोड़ा बहुत इच्छा, थोड़ी बहुत दुख से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको वापस दोबारा देख लेना, मैंने बहुत सारा कंटेंट आपके ऊपर बम्बार्ड कर दिया है, प्लीज समझने की कोशिश करिए, इसको दोबारा देख लेना,
एंडिंग तक रुकने के लिए शुक्रिया। मेरे और भी पॉडकास्ट हैं स्पॉटिफाई पे, नीचे जाके देखते रहिए, समझ में आया तो कर लीजिए, नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है आपका करियर बनना नहीं बनना। मेरे को फर्क पड़ रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ देगी आपको, मैं बता रहा हूँ, लिखवा के रख लो मेरे से। कोई लड़की शादी नहीं करती है, बहाना देगी पापा नहीं मान रहे, बहन नहीं मान रही, कुछ नहीं होता है, वही नहीं मान रही है। मटेरियल नहीं है तो ये रिलेशनशिप और ये दुनिया की जो भोग है ना, इसको छोड़ दो। पैसा है, मटेरियल है, काबिलियत है, मतलब पैसा होना चाहिए मेन। अगर पैसा है तो हर कोई तुम्हारे साथ है, ठीक है, और लड़की वड़की सब अपने आप भाग के आ जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये वो बहाना दे देगी, सब छोड़ देंगे आपको, मैं बता रहा हूं, मेरे वीडियो देखते रहोगे बस हर कोई छोड़ देगा। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। इसको दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो आपको क्या करना है भैया, ठीक है। जो भी आपको करना है, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग करना है, उससे कंटेंट, उसका कंटेंट कंज्यूम करो ना यूट्यूब पे, क्या इशू हो गया यार। चलो ठीक है भाई, दोबारा देख लेंगे।